नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आ गई है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको जरूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में, कितनी पदों की संख्या है, वेतन क्या है, योग्यता क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी है, पे लेवल क्या है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए विस्तृत विज्ञापन देख लेते हैं। आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहां से भी आप एडवर्टाइज को पढ़ सकते हैं और इसको नोटिफिकेशन को एक बार जरूर कंप्लीट पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, वैसे हम सारा कुछ इसमें बताने की कोशिश करेंगे, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, नोटिफिकेशन अपलोड किया गया, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 3896 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, उसको भी अभी हम दिखाएंगे। तो पद का नाम क्या है, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी के लिए निकाला गया है, यहाँ पे देखिए, ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायती राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ सेवा श्रेणी की अन्य शर्तें 2014 के निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन किया गया है और कोई मोड यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, फॉर्म केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ही कोई ऑफलाइन करेक्शन किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन, आप जिस जिला में चाहते हैं इसको आप फॉर्म भरते समय आवेदन के चयन, जिस जिले में पदस्थापन चाहते हैं, जिन जिलों का प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित काल में आवश्यक रूप से भरेंगे, ठीक है। तो जो जिला आप पहले भरेंगे उसी जिला में आपकी वरीयता देखी जाएगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जिला, जिस जिला में आप पहले चाहते हैं उसी जिला को भरिएगा, ठीक है। फॉर्म को गलत मत करिएगा, आराम से इत्मीनान से पढ़ के नोटिफिकेशन फिर भरिएगा, ठीक है। आज से शुरुआत हुआ है, कब लास्ट डेट रहेगा ये भी बताएंगे अभी हम आपको। फिलहाल यहाँ पे आगे देख लेते हैं जानकारी क्या है। विशेष नोट देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें, ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित को ध्यान पूर्वक पढ़ लें, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया दोस्तों, यहाँ पे आप स्वयं भी भर सकते हैं, निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र से भर सकते हैं। आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के खुद ही कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड वही रखिएगा जो हमेशा आप यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पासवर्ड आप अपना जनरेट करेंगे, ठीक है। जनरेट करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आएगा, फिर सबमिट हो जाएगा। आप चाहे तो खुद भर सकते हैं, नहीं तो ई मित्र कियोस्क से भी भर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, नोट लिख रहा है कि आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियां से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही सही फिल की गई हैं या नहीं, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो उसमें फाइनल सबमिट करने से पहले उसको आप एडिट कर लें, अगर आप फीस पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद फिर उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा, फिर फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनल सबमिट से पहले प्रीव्यू आपको देख लेना है और आश्वस्त हो लेना है कि हाँ सारी डाटा हमारा सही सही भरा गया है, ठीक है। और आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज करें और इसे बदले नहीं, ठीक है। यहीं पे सारी सूचनाएं आपकी दी जाएगी, मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पर, ठीक है। परीक्षा शुल्क की दोस्तों हम बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है जनरल और ओबीसी के लिए 450 रुपए का रखा गया है, 450 रुपए जनरल और ओबीसी की रखा गया है। और राजस्थान के नॉन क्लीमी लेयर जो ओबीसी हैं उनके लिए 350 रुपए रखा गया है, एससी एसटी के लिए 250 रुपए रखा गया है, ठीक है। जनरल ओबीसी और एससी एसटी का छूट जो है राजस्थान के निवासियों को मिलेगा, अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे, जनरल में अप्लाई करेंगे अदर स्टेट से अगर आप करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे नोट में देखिए, राजस्थान तो सबका फीस आपने समझ लिया, राजस्थान राज्य से विभिन्न भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामान्य वर्ग में का अभ्यर्थी माना जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वाले मैंने पहले बता दिया कि अदर स्टेट वाले जो हैं वो सामान्य वाले कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक बार फीस जमा हो जाएगी तो किसी भी कंडीशन में फीस आपकी वापस नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अदर स्टेट से भर रहे हैं और आपने ओबीसी चूज करके 350 रुपया पेमेंट किया तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको फुल पेमेंट 450 रुपये देना और जनरल में अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप राजस्थान के एससी एसटी हैं तो आप राजस्थान के एससी एसटी का आरक्षण ले सकते हैं, 250 रुपये फीस जमा कर सकते हैं, ठीक।
आगे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे दिया गया है कि जिनका 2.5 लाख से ऊपर का ये सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे प्रवेश पत्र के बारे में जानकारी दे रहा है कि प्रवेश पत्र जो है आपको बाद में आवेदन जो है ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा और इसकी सूचना बाद में दी जाएगी, ठीक है, कोई ऑनलाइन जो है ऑफलाइन भेजा नहीं जाएगा। आगे दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं संख्या, देखिए यहाँ पे पदों की संख्या दिया गया, ग्राम विकास अधिकारी के अतिरिक्त पदों का वर्ग एवं जिलेवार आरक्षण दिया गया, इसको हम शेयर कर देंगे यहाँ पे। आप जिस जिले में, अगर आप राजस्थान के हैं तो जिस जिले में ज्यादा वैकेंसी है, जिस जिले में आप नियरेस्ट चाहते हैं उस जिले को आप पहले प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित जाति की कितनी वैकेंसी है, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, सब यहाँ पे डिटेल में दिया गया, इसको हम आपको शेयर कर देंगे। आगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, नोट दिया गया, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ये अधिकार राज्य के पास आरक्षित रहेगा। विशेष सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2013 के अनुसार किसी भी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित व्यक्तियों को पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अनुगृहित किया जाएगा, ठीक है। तो आप भैया जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में आप अप्लाई करिएगा, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी सब वही चीजें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, जो मेन है, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यहाँ पे देखिए इसमें से कहीं भी आपने खेला है तो आपको और इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, और स्कूल गेम या यहाँ सब में खेला है तो भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इसका लाभ मतलब आपको करेगा उसमें छूट दिया जाएगा। और विशेष विज्ञान योग्य यानी कि जो पीएच कैटेगरी के लिए उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से कैटेगरी वाले अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए वन लाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दिया गया है, आप निर्देश को पढ़ लीजिएगा। निर्देश यही है कि आपको कौन से सर्टिफिकेट बनाना है और लास्ट डेट के पहले आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर आपने नहीं बनवाया है तो जिस दिन लास्ट डेट होगा उससे पहले पहले आपको सर्टिफिकेट बन जाना है, ठीक है। अगर आप अभी आवेदन कर देंगे तो 2-4 दिन में बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेतन मान की दोस्तों अगर हम बात करें तो वेतन मान यहाँ पे मैट्रिक लेवल 6 दिया जाएगा, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, यानी कि पे मैट्रिक लेवल 6, यहाँ अगर हम 7 CP के हिसाब से माने तो 7 CP के हिसाब से तो पे मैट्रिक 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान में कितना दिया जाएगा वो यहाँ पे डिपेंड करेगा, फिलहाल उससे पहले आपको एक फिक्स जो है वेतन दिया जाएगा जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड यानी कि परीक्षाधीन जो है आपका काल पूरा नहीं होता तब तक आपको केवल पारिश्रमिक रूप के एक मासिक नियत वेतन दिया जाएगा, बाकी कोई एचआरए डीए टीए ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक फिक्स वेतन दिया जाएगा लगभग 2 साल तक, और जब आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी सुविधाएं जो राज्य सरकार की तरफ से मिलती हैं वो सारी मिलने लगेगी। योग्यता की दोस्तों अगर हम बात करें तो पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पहली बात तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, एमबीए हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की क्या क्या डिग्रियां मान्य होगी यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास ओ लेवल है तो बहुत अच्छी बात है, ओ लेवल नहीं है तो आपके पास कोपा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोपा भी नहीं है तो अगर आपने विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर अप्लीकेशन यानी कि डीसीए ये सब भी किया है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है या इंजीनियर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने RSCIT का प्रमाण पत्र है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो RSCIT यानी कि CCC के लगभग इक्विवेलेंट ही होता है, यानी 6 महीने का अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा है तो आप इसके इक्विवेलेंट हैं, यानी कि आप जो है इसके एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए ग्राम विकास अधिकारी एवं पंचायत अधिकारी राज्य विभाग अधिसूचना दिनांक 100/100 के संशोधन निम्नलिखित पंजीकरण जोड़ा गया है, ठीक है। क्या जोड़ा गया है, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता
की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए ग्राम विकास अधिकारी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा साक्षात्कार में दोनों चरणों का चयन किया गया हो, नोट यहाँ दिया गया है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता कंप्यूटर योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस साल आपका फाइनल ईयर है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम और मेन्स एग्जाम होने के बाद और यानी कि आपका इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू तो नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साक्षात्कार के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा, सॉरी यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जो भी है साक्षात्कार होगा या नहीं होगा वो बाद में बता दिया जाएगा, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप अपेयरिंग में है, आप फॉर्म एग्जाम देने वाले हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखित परीक्षा से पहले आपको मार्कशीट आना, अगर जैसे आपने ओ लेवल किया है या आपने आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे स्वास्थ्य और ये सब सही होना चाहिए, आपको पता ही है, राष्ट्रीयता आपका नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करें दोस्तों तो आपका जो आयु का काउंट किया जाएगा वो 1 जनवरी 2022 को, आप 18 साल को पूरा हो रहे हैं और 40 साल से ज्यादा ना हो, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा, अदर स्टेट के हैं तो 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, आयु की गणना आपका 1 जनवरी 2022 से की जाएगी, बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट दिया जाएगा अगर आपको चाहिए। अंशदायी पेंशन यहाँ पे लागू रहेगा, यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे लागू होगा, जो आपको पता है कि 2004 के बाद से जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है वो सब में अंशदायी पेंशन ही रहेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि में देख लेते हैं, आवेदन करने की जो तिथि है आपका 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 तारीख यानी 10 सितंबर से शुरू हो रहा है और 9 अक्टूबर तक जो है यहाँ पे चलेगा, 9 अक्टूबर से पहले पहले आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों अंतिम तिथि से पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, 10 तारीख से शुरू होगा फॉर्म। ठीक है, और 9 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट होगा। परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती है तो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा केवल आहार यानी कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर करेगा। मुख्य परीक्षा प्रवेश के लिए अहित अभ्यर्थी घोषित किए गए अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणना नहीं की जाएगी। ठीक है, प्री वाला आपका जो है अंक नहीं जोड़ा जाएगा, केवल मेन्स परीक्षा का अंक जोड़ा जाएगा, प्री आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली श्रेणी वार रिक्तियों की कुल संख्या की 15 गुनी होगी, किंतु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो उनके उतने अंक प्राप्त करते हैं जितने की न्यूनतम रेंज लिए नियत किए जाएं। ठीक है, जो न्यूनतम अंक निर्धारित की गई है उतने अंक होंगे, चाहे वो 15 गुना से ज्यादा भी होंगे कैंडिडेट, तभी उनको मेंस परीक्षा में बैठने के लिए मिलेगा। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संभवतः माह दिसंबर यानी दिसंबर एवं मुख्य परीक्षा का आयोजन संभावित जो है वो आपका फरवरी 2022 में किया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं तिथि परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ये जानकारी आपको अलग से दी जाएगी कब एग्जाम होगा। ठीक है, डेट आपको आयोग की तरफ से दिया जाएगा, तो आप लोग बस बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करके लग जाइए, बिल्कुल जुट जाइए। अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में अगर दोस्तों, अगर आप पहले से कहीं जॉब चाह रहे हैं, कर रहे हैं जॉब, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय NOC चाहिए होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, तो उसके लिए आप पहले से अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नियुक्ति की योग्यताएं देख लेते हैं, नियुक्ति की योग्यताएं सब वही है, अगर आप क्वालिफाइंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आवेदन यानी कि आप केवल प्री और मेंस देना, कोई इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करें, और कोई यहाँ पे गलत सूचना आपको नहीं भरना है। फोटोग्राफ और ये हस्ताक्षर आपको स्कैन करके सब JPG फाइल में अपलोड करना है।
ठीक है, सारी डिटेल आपको सही सही भरना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो उसके लिए भैया चार्ज लिया जाएगा, फ्री में संशोधन नहीं होगा, 300 रुपया चार्ज देंगे। तो भैया संशोधन की नौबत ना आए, फॉर्म को बहुत आराम से पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिव्यांग है उनके लिए सूत्रलेखन की सुविधा रहेगी, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, यहाँ पे आती पिछड़ा वर्ग ओबीसी SC ST ये सब अपना प्रमाण पत्र बना लें, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम ग्राम विकास अधिकारी एवं वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जैसे ही परीक्षा का ये आपका सिलेबस जारी किया जाएगा हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई करके, भैया मौका बहुत है, 4000 के लगभग यहाँ पे जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।